देख लिए नरक ना। देखिए राम से ठीक है भाई साहब, इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, इधर आ जाओ। नहीं ठीक है ज़्यादा भी ना हो, ठीक है। सभी दर्शकों को ऋषिपाल धुन का नमस्कार। दोस्तों आज हम पहुँचे हैं धमतान साहब, और इस आंदोलन की हमारे साथ कुछ महिला जुड़ी हैं, इनसे पूछेंगे ये क्यों आंदोलन किया है और इनकी कहाँ तक अब तक सुनाई हुई है या होएगी ना होएगी, प्रशासन आया कि नहीं आया, फिर दोबारा पूछते। बेबे नमस्कार। नमस्कार जी। बेबे फिर पूछता हूँ आपसे, कई सुबह से चल रहा है ये आंदोलन, क्या अभी भी कोई आज से क्या कोई अधिकारी आएगा? देखिए आंदोलन तो कल 6 बजे से शुरू है। कल तो कोई सरकार प्रशासन की ओर से मैसेज नहीं आया है। हाँ। लेकिन ये थोड़ी 2 मिनट पहले ही ASP कुलदीप नरवाणा और SDM दोनों हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं, और लगातार 30-35 घंटे डेड बॉडी को रोड का ऊपर रखे हुए हो गए हैं। और ये बिजली कर्मचारियों की बिल्कुल सरासर तानाशाही है भाई। अकेली बहु बेटियां अंदर हैं और मीटर बाहर लग रहे हैं, तो उनका अंदर जाने का काम के है। फिर कई दिन से छापेमारी गांव में हो रही थी, तो गांव ने कमेटी बना के 40 सदस्यीय कमेटी बनाई, फैसला लिया भाई आपने अगर छापा भी मारना तो हमारे को मैसेज करो पहले, हाँ तो फिर मारो। लेकिन ये तो बिना बात बिना गीत भूलभुलैया कर कल्ली बहन बेटियों के साथ मतलब दुर्व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं, एक कर्मचारी को शोभा नहीं देती। हम घोर निंदा करते हैं इस बात की। घोर निंदा करते तो ऐसा पहले अगर सूचना दे दी तो उनका हमने चोरी कैसे ठहरेगी? फिर चोरी एक मनो बात है, एक एक गांव ईशा भी है जहाँ एक भी घर बिल नहीं भरता है। ये धमतान गांव का रिकॉर्ड 98% है, 95% अगर 98% लोग बिल भर रहे हैं जिस गांव में, तो 5% लोगों की उसमें उनका काम अटक रहा है। उनकी गोज गर्म नहीं हुई जिस घर में वह बड़े थे, वहाँ पे मतलब उनका जमीर जिंदा था उन लोगों का, वह ना ब्लैक करना जानते ना वह ब्लैक की आड़न देखना चाहते। उनकी गोज नहीं हुई, वहाँ माँ बहन बेटी समझदार थी, उन अपना फैसला लिया, वहाँ पे कया सुनी होगी उनका, पता नहीं उनके लागे हैं तो उनके भी लागे हैं, इनके भी लागे हैं, तो उस मामला संभल सकता था। लेकिन प्रशासन की ओर से SDM की ओर से कड़ी चेतावनी दी गई है और प्रेशर बनाया गया है भाई, अम्बलिया स्थित एडे तो न्यू उठा ले जाएंगे और थारे पर कड़ी कार्रवाई होगी। अगर एक बिजली कर्मचारी का तो चोट लाग जे है तो सारे गांव पे केस हो जे है। और महाराज लाल खा लिया इस सरकार ने, इस प्रशासन ने, SDM की धमकी ने, तो आज उन पे क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? अच्छा जो भी कर्मचारी बिजली कर्मचारी थे उन पे कड़ी कार्रवाई हो और कड़ी मतलब फुल एक्शन में सरकार आवे, जब माना बीमारी तेजी है सरकार। तो इसका मतलब ये है जब मीटर बाहर लाग रहा और बिजली वाला अंदर जा रहा कर्मचारी, उसके अंदर उसके मन में कहीं ना कहीं बहु बेटियों के प्रति खोट है, और ये सरासर दिखाई भी दे रहा है। इस सरकार में एक संदीप सिंह खेल मंत्री महिला कोच के साथ दुर्व्यवहार करता है, सरेआम पब्लिक ने देखा उसको। और जो हमारी बेटियां गोल्ड मेडलिस्ट आज मतलब 10 दिन पहले जंतर मंत्र के ऊपर बैठी थी, एक बेटी जो देश की आन बान शान और तिरंगे की शान को बचाने वाली है, स्वाभिमान को बचाने वाली, अपने माँ बाप का ही नहीं अपने देश का नाम रोशन करने वाली है, उन बेटियों के साथ भी यौन शोषण किया जाता है अगर वो अपनी कोई डिमांड रखती हैं तो। खेल कुश्ती प्रधान ब्रजभूषण सिंह ने भी बर्खास्त करें, संदीप सिंह खेल मंत्री ने भी बर्खास्त करें, सरकार की तानाशाही सरेआम दिखाई दे रही है। पेवा के अंदर उसी के द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया है, एक हमारी बेटी ने वहाँ भी विरोध किया, उसके भी पुलिस वाले ने शाल उतार दिया, लत्ता उतार दिया। अगर एक बहू बेटी का और अगर पुलिस वाला कपड़े उतार मतलब खींच रहा है तो उसके मन में खोट नहीं मानेंगे हम? माँ में कहीं भी सेब नहीं है, बहू बेटियाँ भी, और ये बिजली के जो भी छापे हैं ये गलत हैं, जमा बिल्कुल गलत हैं। तो आपकी मुख्य मांग क्या बहन जी? हमारी मुख्य मांग एक बारी तो पहले 6 के 6-7 जितने भी कर्मचारी थे उन्हें गिरफ्तार करो, 302 की धारा मर्डर केस उनके ऊपर लगाओ, और जो भी मांगे कमेटी में पास होंगी परिवार की ओर से होंगे मुद्दे, उनके ऊपर फिर फैसला लिया जाएगा। कमेटी भी बन चुकी है,
है। अब हमारे बीच में प्रशासनिक अधिकारी भी आने लग रहे हैं, एएसपी कुलदीप भी, एसडीएम भी, देखते हैं क्या व्यवहार उनका रहता है और क्या फिर हम एक्शन लेंगे। और अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया और उनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये एकदम तान गांव का ही मुद्दा नहीं रह जाएगा, एक मतलब खाप का ही नहीं रह जाएगा, ये पूरा हरियाणा का किसान आंदोलन के सभी संगठनों के नेता आए हुए हैं, सभी किसान मतलब पंचायतों के खाप नेता भी आए हुए हैं और सब मिलजुल के एक कड़ा आंदोलन करेंगे। ये जन आंदोलन होगा, माँ में तो सड़कों पर इनती बिठाए दिए, बहु बेटी भी, आदमी भी, मतलब सब है। अरे एक सरकार का मतलब कोई बड़ा आदमी मंत्री है जो वो बयान भी दे, बोला भाई ये तो एक बोला फैशन बना दिया हरियाणा में, बोला रोड के ऊपर बैठना, भाई हमें कह देंगे अब बात था, हमें बैठ जो ना थारे बालक का लुआ देना बिजली का हाथ है। असल तो इनका पहली बात बालक नहीं है, कहनी नहीं चाहिए बड़ी बात, लेकिन मजबूर होकर सारे रांडे हैं, सारे रांडे की सरकार है ये, मतलब ईसा है हमने करना चाहे। हाँ जी, एक और जो सरकार नारा लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सरकारी कर्मचारी ऐसा कर रही है उसमें क्या कुछ? हाँ ये तो दिखाई दे रहा है सर, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कूल खोस लिए बेटियां के, लगा ज्यादातर 4800 स्कूलों को बंद किया गया, उनमें से बेटियों के स्कूल थे जिसको बंद किया गया। अब गरीब माँ बाप की बेटी है जो जिसका 4-4 बच्चियां हैं, वह क्यूकर प्राइवेट में उसको पढ़ावेंगे और क्यूकर लेकर जावेंगे। मेरा यही कहना है अखिल भारतीय किसान सभा की जिला जींद की महिला प्रधान होने के नाते, पटना सरकार के अंदर बिजली विभाग की मंत्री की शपथ ली तो सब लोगों को एक आसान